फटाफट से इप्का लैब के बारे में बात कर लेते हैं। और भाई ये 7-8% के समथिंग गिर रखा है। जब मैं वीडियो बनाता लाइव मार्केट में ले आया हूँ तो 2000 के आसपास लपक सकते हैं। 2000 के आसपास ये आए तो अभी भी लपक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेट प्रॉफिट इनके बड़े थे अभी जो 15 मिनट पहले रिजल्ट आए थे, और टारगेट भी दे रखा है 2335 का यस सिक्योरिटी वालों ने, तो इनके पास कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन होगी। अब सीधे चलता हूँ चार्ट पर और चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो भाई ये 2000 के आसपास आया है आज ही भाई, लास्ट में भाई काफ़ी ज़्यादा एकदम से गिर गया अचानक से, तो ये लपकने का मौका है, तो यहाँ लपक सकते हैं। इसके अलावा नीचे और यहाँ पर एक सपोर्ट आता है जो आता है 1850 के आसपास, वहाँ पर और ऐड करेंगे अगर बाई चांस गिरता है, नहीं तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लपकी जा सकती है। और 39 के RSI है तो वीक हो गई है, यहाँ सेल सिग्नल बन गया अचानक से गिरने के कारण, तो मौका वह है ये भाई, तो इसमें खरीद सकते हैं और यहाँ पर और खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है और आप अपनी एनालिसिस करके खरीद सकते हैं, कोई ऐसी जल्दीबाजी भी नहीं है। अगले ट्रेडिंग सीजन में सोमवार को देख लेना और बाकी भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।